हम बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े गेम्स जीत नहीं रहे। देखिए ये तो नजर आ ही रहा है, ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं पहले से नजर आ रहा। आप एशिया कप से उठा के देख ले कि जहाँ पे प्रेशर आता है तो वहाँ पे बिल्कुल हाथ पांव भूल जाते हैं, बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं। जो बात कर रहे हैं ना थ्रू आउट कि हमारी तैयारी नहीं है, तैयारी करके नहीं गए। इस वर्ल्ड कप को हम लोगों ने ऐसे लिया हुआ था जैसे हम लोग कोई सीरीज का मैच खेलने जा रहे हैं जिम्बाब्वे से, नेदरलैंड से, इस टाइप का वर्ल्ड कप लिया हुआ था। तो उस फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आनी थी। सिस्टम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जोर इस पे है कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर फलाने बनाया है, अब इसका नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी कर दें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी फलाने बनाया है इसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दें। हम इसी में उलझे हुए, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस काम के लिए बना है। वहां जो प्रोडक्ट निकलनी है वो तो नहीं निकल रही। तो मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हमारा सिस्टम इतना सियासत ज़दा हो गया है कि एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म ना भी करे, आप अगर टीम मैनेजमेंट के करीब है, अगर आप कप्तान के करीब हैं, तो फिर आपको ड्रॉप कोई नहीं कर सकता। क्यों सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम को देता हूँ कि सब कुछ चेंज हुआ, पर बाबर आजम चेंज नहीं हुए। चार साल से वो कैप्टन है उन्हीं लड़कों के साथ जिनको वो चाहते थे वो लड़के खेले। ये 18 के 18 लड़के जो गए हुए हैं, 3 रिजर्व और 15 का स्क्वाड, सब बाबर आजम की मर्जी का है। जब आप एक एक चीज में अपनी मर्जी करवा के भी आप डिलीवर नहीं कर पाते। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही गंदा जा रहा है। बताते चले कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में लगातार चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान को भारत से, ऑस्ट्रेलिया से और अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को मिली एक विकेट से हार के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर अब बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम पिछले 4 साल से टीम की कप्तानी कर रहे हैं और उन्हें प्लेयर भी उन्हीं की मर्जी के मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के मामले में पूरी तरह से जीरो रहे हैं। बताते चले कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी बड़े इवेंट पर जाती है तो वह पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। बात करें हम T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो उसमें भी पाकिस्तान पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था। इसके साथ साथ हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 की या फिर एशिया कप 2023 की, पाकिस्तानी टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता अगर नीदरलैंड अपसेट नहीं करता। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, नहीं तो पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हार गया था। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी टीम के प्लेयर केवल और केवल अपने लिए खेल रहे हैं, यही रीजन है कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेल पा रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को मिली शर्मनाक हार को लेकर क्या कहा है। कुछ कहने को भी नहीं रहा यार, क्या शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास है क्या। टीमें होती है ना, वो कहती है कि दम है तो हमसे जीत कर दिखाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो पाकिस्तान टीम का ये रिदम है एशिया कप से अब तक लेके, वो कह रहे हैं दम है तो क्या कहते हैं हमसे हार कर दिखाओ। आप कहते हैं भाई जीत सकते हो आप, हम आपको जो है ना हरा नहीं सकते। ये वाले मामला थे कल देखे ना, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप जो है वो कहाँ पे बॉल करा रहे थे। डंडों में मारने का आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि डंडों में भी बॉल मारनी है। आप 150 की बॉल करा रहे हैं, 145 की बॉल करा रहे हैं, कहाँ बाहर जी कि वो किस करे बैट को और जाके पीछे जाए भाई विकेट तोड़ दो। किसी ने सोचा ही नहीं, ना किसी ने मशवरा दिया, ना कुछ मामला किए। आप देखें हारिस रऊफ को हम कब तक इस मुकद्दस गाय को लेके चलेंगे यार। इस पूरे इवेंट में आप देख लें, इससे पहले वाले इवेंट्स में भी देख लें, 10 ओवर का कोटा सिर्फ 2 मैचेस में इन्होंने पूरा किया है। बदले में हमें इन्होंने कितने रन्स के अंबार लगा के दिए यार। इतने तो हमारे बैटर रन्स नहीं बना रहे जितने ये रन्स दे रहे हैं। सही है, इसी तरीके से बाबर आजम, उनकी इज्जत अपनी जगह, उनके टेम्परामेंट, क्लास सब अपनी जगह, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने हमें क्या दिया है। डीकॉक जितनी 2 बारियों में रन बना लेते हैं, बाबर आजम 6 बारियों में रन नहीं बना पाए उतने। सही है, और भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। शाहीन शाह अफरीदी बेशक वो कल टॉप विकेट टेकर बन गए, हमने टॉप विकेट टेकर को बिल्कुल उसी तरह चूम लिया जिस तरह हम रैंकिंग के नंबर 1 को चूमते रहते थे। हम मैच कब जीतेंगे भाई,
हमें कल का मैच अगर नहीं जीते तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आगे हम जीत सकते हैं। मुझे तो अब ये खतरा है कि हम बांग्लादेश से भी जीत पाएं कि ना जीत पाएं, क्योंकि शाकिब वापिस आ गए सुना, अगर वो वापिस आ जाएंगे तो फिर तो बांग्लादेश भी हम पे भारी पड़ जाएगी। कल उनकी जो टेल थी, बांग्लादेश की टेल हो या मिडिल ऑर्डर हो, उनसे तो बहुत बेहतर होगा ना। जो कल उनकी टेल थी, जो कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे यार, और आप उनको आउट नहीं कर सके। और आप बड़े बड़े तुरम खान हैं, महान हैं, आप जैसा तो कोई पाकिस्तान के पास था ही नहीं। आपको कभी वसीम अकरम से मिलाया जा रहा था, कभी आप लोगों को वकार यूनुस से मिलाया जा रहा था, कभी शुएब अख्तर की स्पीड दिखाई जा रही थी। बदले में आपने हमें क्या दिया शर्मिंदगी के अलावा? पूरी नेशन एक ही स्पोर्ट्स को फॉलो करती है, दैट इज क्रिकेट, और पूरी इमोशन अटैच है हमारे, और एक ही ऐसी स्पोर्ट है जो आपको पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। फिर आपको भी रियलाइज करना चाहिए कि हम यही लोग हमें सुपरस्टार बनाते हैं और यही लोग हमें वैल्यू करते हैं। आज आपकी जो पहचान है इस कंट्री की वजह से है, तो अपनी कई दफ़ा आपको ना ज़ात से, अपनी लिमिटेशन से बाहर आने की ज़रूरत होती है। उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा हमको गलतियाँ कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट इतना बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, और जो गलतियां हमने की हैं, अब ये देखे ना कि कल हमने 26 ओवर डॉट खेले हैं, ऐसा ही है, और जिसमें से 20 गेंदे तो हमने पहले ही आउट हो गए। हाँ। दो क्राइम है, एक तो आप पूरे ओवर नहीं खेल पाते, आप 90% सिर्फ श्रीलंका के मैच के अलावा हर मैच में ऑल आउट हो रहे हो, दूसरी तरफ देखें तो आप इतनी डॉट बॉल नहीं खेलो, यानी कि आप आधा मैच तो आपने रोक दिया, आपने सिंगल ही नहीं बनाई, अगर आप हमने बनाई नहीं जाया कर दिया, आपने टेस्ट मैच खेला, कि ये किसका कसूर है? आई मीन यू नो, कई दफा हमें इतनी हर्ट होते हैं हम एज ए क्रिकेटर कि आपको पूरी दुनिया में, जैसे आपके ना लीगों में काम कर रहे हैं, छोड़े मुझे छोड़े आप, इस वक्त किसने ये डिसीजन किया कि एक बंदे को डाबी में भी रखा हुआ है और आपने डिसीजन मेकिंग भी रखा हुआ है, और एशिया कप से हम कह रहे हैं कि आपकी स्पिन बॉलिंग काम नहीं कर रही, आपकी स्पिन बॉलिंग काम नहीं कर रही, और आप कह रहे हैं कि स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत नहीं है, आपके पास सकलैन है, आपके जिसको भी रखें पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो सीफ अहमद है, जो लोग भी क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो उनको रख लें, आपको सकलैन अच्छा नहीं लगता, मुश्ताक अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, बट आई थिंक दोज प्लेयर 5 स्पिनर्स दे वर इन विद पाकिस्तान टीम, और पूरी दुनिया, पूरी जो टीमें जीत रही है मिडिल में, वो स्पिनर उनके काम कर रहे हैं, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन उनको टेक्निक बताएगा, कौन पिच को रीड कर बताएगा कि किस पेस बॉलिंग करनी है, कौन उनको बताएगा कि किस, कौन से बैट्समैन के खिलाफ कौन सी फील्ड पे फील्डिंग सेट करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। बताते चले कि वर्ल्ड कप और एशिया कप जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम ये दोनों कप अपने नाम करेगी। एशिया कप के तो फाइनल में पाकिस्तान पहले ही नहीं पहुंचा, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से भी पाकिस्तान पूरी तरह से आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि एशिया कप के सुपर फोर के मैच में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को मारा था, उसके बाद से पाकिस्तान की टीम अभी तक उठ नहीं पाई है। बताते चले कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर ICC रैंकिंग में हैं, जिसका मेन कारण है कि पाकिस्तान हमेशा छोटी टीमों का अगेंस्ट खेलता है, या फिर पाकिस्तान के पास अगर कोई बड़ी टीम आती भी है तो उसकी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं होती है। उनके खिलाफ खेल खेलकर पाकिस्तानी टीम के प्लेयर ICC रैंकिंग में नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी टीम से उनका मुकाबला होता है तो वह पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। यही रीजन है कि वर्ल्ड कप 2023 में भी पाकिस्तान जितनी भी बड़ी टीमों से खेला है, पाकिस्तान को उसमें जीत नहीं मिली है, चाहे हम बात करें इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, या फिर अफगानिस्तान की। यहां तक कि श्रीलंका का मैच भी पाकिस्तान से पूरी तरह फंस गया था, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 347 रन बना लिए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप 2023 का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।